नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। आपकी एग्ज़ाम लग रही है आईटीआई की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाते हैं, आप उनको देखते हो, सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट देखा करो और पूरे वीडियो देखो, रिवाइज करो एग्ज़ाम से पहले। एक बार कंप्लीट पूरे वीडियो को देख के जाना है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक तो कर ही दे रहा बट आप सब्सक्राइब तो नहीं करते हो, पर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। अपना 3100 क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन ये कह रहा है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अपने घर पे जो किसान टॉर्च बैटरी होती है या फिर इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, उस बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है, तो उस जो प्लेटें मुड़ जाती है उस दोष को क्या कहा जाता है, उस दोष को बकलिंग दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकलिंग दोष कहा जाता है, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं व्याकुंचल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकुंचल दोष कहते हैं, ठीक है। अब वो दोष कब होता है, किस कारण मुड़ती है, क्या होता है बकलिंग दोष के कारण क्या होती है? तो प्लेटें इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, यानी प्लेटों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? बकलिंग दोष कहलाता है। तो अपना ये जो राइट आंसर होगा वो पहला ही अपना राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए अपना राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। देखो बैटरी का सिंबल होता है ये ऐसा, ये बैटरी का सिंबल होता है जिसमें 1.5 सेल है। ये क्या है? सेल है, जो शुष्क सेल आता है ना वो सेल है। ये अपने घड़ी के दीवार घड़ी में जो सेल होता है वो सेल है, वो 1.5 वोल्ट का होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, देख लेना कभी। और उस सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बैटरी। यानी सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें प्लस इस साइड में है, माइनस इस साइड में है, इसमें माइनस इस साइड में है, प्लस इस साइड में है, और इसमें प्लस इस साइड में और माइनस इस साइड में, मतलब ये सेल और ये सेल तो सही स्थिति में लग रहे हैं। अब ये क्या लग रहा है? उल्टा लग रहा है। तो क्या होता है कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, और अगर मान लो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि एक सेल उल्टा लगा दिया जाता है, तो वो सेल उसके साथ साथ दूसरे सेल का भी वोल्टेज क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो यानी ये सेल उल्टा लग रहा है तो इस सेल का भी वोल्टेज क्या कर देगा? खराब कर देगा, मतलब इसके वोल्टेज को भी नष्ट कर देगा और खुद का वोल्टेज भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है। तो इस सर्किट का जो वोल्टेज हो गया वो क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है इसमें कि विद्युत परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। तो कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? बी ऑप्शन अपना राइट होगा। बल्कि जो भारतीय स्क्रिप्ट की जो पीडीएफ दी गई उसमें क्वेश्चन आंसर 4.5 वोल्ट माना गया है, परंतु ये सही नहीं है, ये ही अपना राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन है 33 नंबर का, आप सभी जानते हो शुष्क सेल की धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। अपने घर पे जो बैटरी उस दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी में जो सेल लगा होता है 1.5 वोल्ट का, शुष्क सेल बोलते हैं उसको, या अपन उसको कार्बन जस्ता सेल भी बोलते हैं क्योंकि उसका एनोड तो किसका बना होता है? कार्बन का, और कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का। तो ये पूछ रहा है कि उसकी धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, उसको कार्बन जस्ता सेल बोला जाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है? कार्बन की, ऋणात्मक किसकी? जस्ते की। तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कि उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कार्बन का। किसका? कार्बन का, ठीक है दोस्तों।
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भार बढ़ने पर सेल के सिरे सेल के सिरों के वोल्टेज क्या होगा। भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज क्या होगा। अगर मान लो कि एक सेल है, उस सेल के साथ में अपन घड़ी को चालू कर देते हैं जैसे, तो वो लोड डल जाता है उसके ऊपर, ठीक है, सही बात है ना। तो जब उसके ऊपर लोड बढ़ाया जाता है या भार बढ़ाया जाता है तो उसके वोल्टेज में क्या होगा, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी अपन कह सक, थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर मान लो कि वो 10 किलो वजन ले जा रहा है, 10 किलो वजन के स्थान पर अपन उसके ऊपर 50 किलो वजन रखते रहते हैं, तो वो पहले की जितनी चाल चलेगा क्या, जी नहीं, नहीं चलेगा। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके अनुसार इसके ऊपर भार बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष कैसे रोका जाता है। अगर मान लो सेल में स्थानीय क्रिया दोष हो जाता है तो उस दोष को कैसे रोका जाए, उस दोष को कैसे रोका जाए। ऑप्शन है, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके। क्या सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से वो वोल्टाइक सेल का स्थानीय क्रिया दोष खत्म हो जाएगा क्या, जी नहीं, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। विद्युत रजत का उपयोग करके, जी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन अपना सेलों को समांतर में संयोजित करके, ये भी नहीं होगा। जस्ते की प्लेट का अम्लगमन करके, अम्ल गमन करके यानी जस्ते के प्लेट के ऊपर एक अम्लगमिशन क्रिया के माध्यम से एक एक्स्ट्रा परत चढ़ाई जाती है, वो चीज करके इस स्थानीय क्रिया दोष को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। तो अपना डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है उसका सूत्र होता है एम बराबर जेड आई टी। एम बराबर क्या होता है, एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ये सूत्र होता है द्रव्यमान का, है ना, मास। तो इसमें ही वो जेड किसको इंगित करता है, तो जेड करता है रासायनिक विद्युत अपघटक को, विद्युत अपघटक को। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.329 ग्राम प्रति कूलाम, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अति आवेशन, अति आवेशन और अति निरावेशन, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लेट से गिरने वाले अवसादों को बनना, ये भी नहीं सही है। बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित करना, ये भी नहीं है। तो एक मिनट, कौन सा है, सॉरी, ये पहला ही ऑप्शन है अति आवेशन और अति निरावेशन, मतलब अधिक धारा पर उसको आवेशित किया जाए या अधिक धारा पर उसको निरावेशित किया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें बकलिंग दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बकलिंग दोष। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चार्जिंग की स्थिति की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो जब चार्जिंग स्थिति के दौरान, जब चार्ज लग रहे हो, बैटरी को चार्ज लगा रखा था, उस स्थिति के दौरान उच्च दर निरावेशित टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका? उच्च दर निरावेशित टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है? तो इसमें एनोड सिर इलेक्ट्रॉन को खोता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है? तो एनोड खो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने चल गए जो वायरिंग होती है ना अपने घरों में, उस वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन चल गए अपने। अब सुनो, कंड्यूट पाइप यानी अपने जो घरों में लाइट फिटिंग करने के लिए जो पाइप यूज लेते हैं उनकी बात है। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो वह मीटर लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई एमएम में, आंतरिक व्यास एमएम में, बाह्य व्यास एमएम में, तो किसके अनुसार उसको चॉइस किया जाता है पाइप को? तो उसका जो आंतरिक व्यास होता है, जैसे कितना चौड़ा है, जैसे 1.5 एमएम है, 1 एमएम है, 0.5 एमएम है, 0.25 एमएम है, तो उसके अनुसार जो उसका व्यास होता है ना अंदर, कितना चौड़ा है वो पाइप, उसके अकॉर्डिंग उसका चूज किया जाता है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? अपने घर पे जो किटकैट फ्यूज होता है, उस फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है? तो उस फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो 1.6 होता है। कितना होता है? 1.6। पर इसके लगभग में आंसर कौन सा है? बी 1.4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है? एक पेंडेंट होल्डर के संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पहला संयोजन, पहला ऑप्शन है ढीले संयोजन से बचाव, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, या सामान के टर्मिनलों को तनाव कम करके, यानी सामान के टर्मिनलों को तनाव को कम करके, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, फ्यूज कौन से प्रकार का है? जो ये आपको फ्यूज दिख रहा है, फ्यूज, ये फ्यूज कौन सा है? अपने घर पे जो साधारण किटकैट फ्यूज होता है, कटआउट फ्यूज बोलते हैं उसको, वो तो है नहीं ये, तो ये कौन सा फ्यूज है? ये है HRC फ्यूज। कौन सा फ्यूज है? HRC फ्यूज है ये। हाई HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रेपचिक कैपेसिटी, हाई रेपचिक क्षमता फ्यूज है ना। ठीक है, तो इसका ये हाई रेपचिक क्षमता फ्यूज बोलते हैं, हाई रेपचिक कैपेसिटी फ्यूज, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? जैसे मैं आपको पूछते रहता हूँ कभी कभी, होल्डर, अब ये क्या है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो ये अपने घर पे जो होल्डर होते हैं ना, वो होल्डर है। अब वो होल्डर भी नहीं है, इनमें दूसरे बल्ब लगते हैं जो जिनके बाहर कैप के चूड़ियाँ होती है। अब अपने जो सामान्य जो अपने घर पे जो बल्ब होता है, उस बल्ब, वो तो बैटन होल्डर होता है। सामान्य जो अपने बल्ब लगाने के लिए जो होल्डर होते हैं, वो उनको तो बैटन होल्डर बोला जाता है। इस होल्डर का नाम है एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर। ठीक है दोस्तों,
तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और वीडियो को देखना बार बार, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम से पहले आप इनको बार बार रिपीट करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।